Assalamualaikum everyone, welcome to the Kitchen Expert. आज मैं आप लोगों के साथ मैकरोनी की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो सबसे पहले इसके लिए हम ले लेंगे बॉयल मैकरोनी। आप 2.5 कप बॉयल मैकरोनी ले लीजिएगा, एक दरमियानी प्याज को चॉप कर लीजिएगा और एक दरमियाना आलू ले लीजिएगा बॉयल किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हैंडफुल ऑफ पीस ये भी बॉयल करके लेंगे हम, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपने शिमला मिर्च ले लेनी है इसके साथ। इसको हमें बॉयल नहीं करना है, इसको बस चॉप कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। इसके अलावा हमने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, पिसी हुई मिर्च डालेंगे और इसके साथ इसके अंदर चाट मसाला जाएगा और साथ में काली मिर्च पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत, 2 चमचे खाने के चमचे। आप इसमें सोया सॉस ले लेंगे, 1 कप आपने इसमें टोमेटो केचप लेना है या होममेड या बाहर से जैसा आपकी मर्ज़ी। 2 टेबल स्पून इसमें हम चिली सॉस डालेंगे और 1/2 कप करी मोज़रेला चीज़। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करके इसको बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर बॉयल आलू डाल देंगे, साथ में बॉयल किए हुए मटर भी चले जाएंगे और इसके साथ शिमला मिर्च कटी हुई थी वो भी ऐड हो जाएगी। इन 3 चीज़ों को डालने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा नमक आप डाल लीजिएगा हसब ज़रूरत और सोया सॉस डल गया यहाँ पे। इसके बाद हमने इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड किया है और साथ में चिली सॉस ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ कुक हो गया ये अच्छी तरह। अब इसके अंदर हमने बॉईल की हुई मैकरोनीस को ऐड कर दी है और अब हम इसको अच्छी तरह चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये टूटे ना मैकरोनी, क्योंकि बॉयल्ड मैकरोनीज हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर से चीज़ डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाए। बहुत क्विक और बहुत ईजी रेसिपी है, ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि चीज़ मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स करके। ओके, तो यहाँ मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसको किसमें से और ये इसकी फाइनल लुक है। ये शक्ल में तो लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन ये बहुत स्पाइसी नहीं है, मॉडरेट है, आप बच्चे भी इसको ईजिली खा सकते हैं। और ये इसका हल्का सा स्वीट सा टेस्ट है, स्वीट एंड स्पाइसी से, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मैकरोनीज में ये स्पाइसेस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।